नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज। मैं आपके साथ वैष्णवी मावर। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने बुधवार को नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सौजन्य भेंट कर अपने क्षेत्रवासियों से जुड़ी विभिन्न विषयों पर विस्तृत एवं सार्थक चर्चा की एवं उक्त परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने हेतु आग्रह किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से चर्चा के दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने बताया कि वे जिस क्षेत्र से आते हैं वह संपूर्ण क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य जिलों से घिरा हुआ है, जहां आज तक किसी ने रेल नहीं देखी। इस क्षेत्र में पिछले 105 वर्षों से मनमाड़ इंदौर रेल मार्ग प्रस्तावित है। उक्त रेल मार्ग का सर्वे 2017 में पूर्ण कर अंतिम सर्वे रिपोर्ट सहित DPR तैयार हो चुकी है। इस प्रस्तावित परियोजना को लेकर वित्तीय प्रबंध शत प्रतिशत राशि मदों से, जिसमें जवाहर पोर्ट द्वारा 55% राशि, जहाजरानी मंत्रालय द्वारा 15% राशि, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 15% राशि तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा 15% राशि मंजूर की जा चुकी है। इस तरह इस परियोजना को लेकर रेलवे को अपनी 1% राशि भी खर्च नहीं करनी है। इस परियोजना को लेकर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्य शासन द्वारा MOU भी पारित हो चुका है। इसका कार्य DPR SVPS कंपनी स्पेशल व्हीकल के द्वारा पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है, लेकिन आज दिनांक तक इसका कार्य शुरू नहीं हो पाया है और न ही आगामी बजट 2022 व 2023 में इसका कोई प्रावधान किया गया है। इस रेल मार्ग के शुरू होने से निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आदिवासी भाइयों के भाग्य को बदला जा सकता है तथा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्षेत्र के विकास के साथ साथ देश के लगभग सभी जगह कार्यरत सैनिकों के परिवहन की दूरियों को भी कम किया जा सकता है। इस रेलवे परियोजना के लागू होने से अनेक गाड़ियों की दूरी लगभग 250 से 600 किलोमीटर कम होगी। इसलिए डॉक्टर सोलंकी ने माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि मनमाड़ इंदौर रेलवे मार्ग परियोजना का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने बताया कि आज पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से जनहितेशी विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आपके द्वारा मेरे संज्ञान में लाई गई परियोजनाओं पर कार्य किया जाएगा। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से संसद भवन में मुलाकात की और इस सौजन्य भेंट में माननीय प्रधानमंत्री जी से मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेषकर चर्चा की। इस अवसर पर मैंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निमाड़ क्षेत्र के खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर और झाबुआ जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज की मांग की है। साथ ही उन्हें मैंने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से बड़वानी तक जहाज चलाने के लिए सरदार सरोवर के बैकवाटर में उसके लिए भी पर्यटन स्थल विकसित करने की मांग की है। इसके पश्चात मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से ये भी आग्रह किया है कि 105 साल पुरानी मांग इंदौर मनमाड़ रेल मार्ग की स्वीकृति के साथ इसका कार्य शीघ्र प्रारंभ करने का आग्रह भी किया है और साथ ही निमाड़ और मालवा क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने की मांग मेरे द्वारा की गई है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीरतापूर्वक सुना है और मुझे आश्वस्त किया है कि इन सभी मांगों को हम सरकार में विचार करने के बाद निश्चित रूप से इसको पूरा करने की दिशा में प्रयास करेंगे और जनजाति क्षेत्र के भाइयों और बहनों को इनमें से जो सौगातें बहुत जल्द पूरी होगी वो पूरा करने का आश्वासन भी दिया है। आज तक 24 न्यूज चैनल के लिए जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी के साथ संजय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।